का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ईसी की क्लीन चिट पर आयोग में ही मतभेद। आयुक्त लवासा और सीईसी आमने सामने। लोकसभा चुनाव के खत्म होते होते चुनाव आयोग में भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। आयोग के आचार संहिता तोड़ने संबंधी कई फैसलों पर असहमति जताने वाले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर मांग की है कि आयोग के फैसलों में आयुक्तों के बीच मतभेद को भी आधिकारिक रिकॉर्ड पर शामिल किया जाए। अशोक लवासा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में है और सूत्रों के मुताबिक लवासा आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सीधे सीधे लगातार क्लीन चिट और विरोधी दलों के नेताओं को नोटिस थमाने जाने के खिलाफ रहे हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी दिने केदार घाटी का पुनर्निर्माण कार्य के बारे में पीएम को दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने केदारनाथ बाबा का रुद्राभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना की है। इसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर उन्होंने मंदिर की परिक्रमा करने के बाद केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान वहाँ मौजूद अधिकारियों से इन कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी को प्रोजेक्ट के दस्तावेज दिखाते हुए उन्हें सभी जानकारी दी। पीएम मोदी के शनिवार सुबह केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार भी वहां पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले तो केदारनाथ मंदिर के आसपास हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। केदारनाथ धाम की गुफा में साधना में लीन हुए पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के समाप्त होने के अगले दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा की, गढ़वाली वस्त्र धारण किए। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी केदारनाथ धाम में बनी पवित्र गुफा में साधना में लीन हो गए। 2 साल में चौथी बार केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी ने मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने रुद्राभिषेक करने के बाद मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी 19 मई को बद्रीनाथ धाम जाएंगे। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ना भूले। धन्यवाद।